फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी, जो कि बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। खबर है कि सरकार ने चीन के 47 और ऐप बैन कर दिए। सरकार ने पबजी समेत 250 से ज्यादा चीन के ऐप की जांच शुरू कर दी, जिन पर बैन लग सकता है। बिहार के कई और इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश रहने तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों की ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा सियासी और कोरोना संकट पर चर्चा की जाएगी। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंप दिए। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम समेत 200 लोग शामिल होंगे। दुनिया भर में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह इस्तेमाल होने से दुनिया भर में हल्दी की मांग बढ़ गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस की वायुसेना का एक विमान आज वेंटिलेटर, जांच किट समेत कई चिकित्सा उपकरण लेकर भारत पहुंचेगा। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कॉलेजों में परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर यूजीसी से राय मांगी है। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले सरयू नदी के किनारे 21,000 दीपक जलाए गए। प्रियंका गांधी की तरफ से चाय के न्योते पर बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कोरोना की वजह से चाय पर नहीं आ पाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी का बकाया पैसा देने की मांग की। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस इसी हफ्ते करण जौहर से पूछताछ कर सकती है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो 1 सितंबर से अपने अधिकारियों के वेतन में 35% की कटौती करेगी। राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे का दावा किया और सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारियों की मॉन्टेनेग्रो और मॉरिटानिया में बतौर राजदूत नियुक्ति की गई। दिल्ली में बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने नोएडा समेत आईसीएमआर की 3 कोरोना टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। आईसीएमआर ने बताया कि रविवार को देश में रिकॉर्ड 5,15,472 लोगों की कोरोना जांच की गई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के मरीज 14,35,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में 27 मई के बाद दूसरी बार 1,000 से कम कोरोना मरीज सामने आए और पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 613 रहा। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सुशांत सिंह राजपूत मामले में FIR दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी गई। मुंबई में एक बिल्डर के खाते से पैसे निकालने की कोशिश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम ने प्रॉपर्टी और दूसरा टैक्स बढ़ा दिया, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच नौकरियां देने और लेने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई। हरभजन सिंह ने अपने मुंबई के घर का बिजली बिल 33,900 रुपए आने पर हैरानी जताई। दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अर्जी को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया और इसे निचली अदालत में दाखिल करने का फैसला किया। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजधानी में बिजली के बढ़े हुए बिल आने का दावा भी किया। दिल्ली के तिलक नगर में एक आदमी को गोली मारने वाले 3 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शाहरुख ने तिहाड़ जेल से दूसरी जेल ले जाने की मांग की, जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई 29 जुलाई तक टाल दी गई। यूपी के रामपुर में आजम खान के फरार करीबियों के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चिपकाए और उन्हें जल्द पेश होने का आदेश दिया। नोएडा पुलिस ने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी 1 अगस्त को वाराणसी यूनिवर्सिटी के करीब 250 छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक करेंगे। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में कुल 68.81% छात्र पास हुए, हालांकि इसमें फेल होने वाले छात्र फिर से परीक्षा दे पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं के टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने की योजना फिर से शुरू कर दी। हरियाणा के रोहतक में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार की मोतिहारी में अंतिम संस्कार के बाद तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या जाएंगे। यूपी के गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
विकास दुबे के सहयोगी रहे जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच इनकम टैक्स और ईडी करेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री पहुंचकर उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में 1000 लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया। यूपी पुलिस विकास दुबे के बेटे से भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो भी अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट गया जिसमें 2 लोग पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कुछ जिलों में फिर से 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। यूपी के गोरखपुर में 5वीं के एक छात्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई जिस पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के आजमगढ़ में तालाब में नहाते वक्त 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच धक्कामुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तराखंड में रामनगर से हल्द्वानी जाने वाली सड़क पर गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलाबारी की गई जिसका भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 132 जानवरों की मौत हो गई। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनराई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव से एनआईए ने कोच्चि में पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल के एक कैंप पर नक्सली हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया। महाराष्ट्र में 1 अगस्त से बीजेपी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के विरोध में अमृतसर के किसानों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नदी में मंदिर के लिए जल भरने गए 4 लड़के डूब गए। हरियाणा के छात्रों के माता पिता को हाईकोर्ट ने स्कूल फीस देने को कहा। अंडमान और निकोबार में कोरोना नियम तोड़ने के 24 आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के बीच में हनी ट्रैप गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चीन के चंगदू में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद किया गया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 6.5 लाख तक पहुंच गया। कुलभूषण जाधव मामले में विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान की संसद में एक अध्यादेश पेश किया गया। भारत ने लाहौर के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने के प्रयासों की खबर पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा मामले की खबरों को गलत बताते हुए इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बताया। ब्राजील के पंतानाल इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना संकट के बीच बेसबॉल मुकाबलों की शुरुआत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान में कई मकानों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना दिवस पर पानी में परेड हुई जिसमें 4000 जवानों के साथ ही 46 जहाज और 41 लड़ाकू विमान भी शामिल किए गए। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी जिस पर चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया। चीन ने एक ऐसे विमान का समंदर में ट्रायल किया जो जमीन के साथ ही पानी से भी उड़ान भर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपना वजन कम करने की अपील करते हुए फिट रहने को कहा। सोने की कीमतें 52,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना की वजह से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई। सौरभ गांगुली का बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन वो अभी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। दुबई में आईपीएल करवाने के लिए वहां के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से चिट्ठी मिलने का दावा किया। आयरलैंड के खिलाफ 30 जुलाई से होने वाले वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान किया गया लेकिन इसमें बेन स्टोक्स जैसे कई बड़े नाम शामिल नहीं किए गए। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है। वेस्टइंडीज को अभी भी जीत के लिए 389 रन बनाने हैं। लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में 4 महीने बाद दर्शकों को एंट्री दे दी गई जिसके बाद लोगों ने वहां बैठकर मैच देखा। फर्जी अकाउंट बनाने की शिकायत करने वाली अभिनेत्री कोयना मित्रा ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवा दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन के नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दान दिया और अपने प्रशंसकों से भी ऐसा करने को कहा। अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग अक्टूबर में फिर से शुरू होगी। कंगना रनौत के वकील ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और सुशांत सिंह की खुदकुशी वाली जगह को सील करने की मांग की। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। करीब 1.5 महीने बाद सुशांत सिंह की विस्तृत रिपोर्ट आ गई है जिसमें किसी तरह के संदेह से इंकार किया गया।